नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपका अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुरुक्षेत्र में आज महिला पहलवानों को लेकर सरोखाप महापंचायत का ऐलान भी था, हुई भी पंचायत, और इसमें सिर्फ एक समाज नहीं कई समाजों के खाप चौधरी भी आए और उन्होंने भी इस आंदोलन को अपने समर्थन देने का ऐलान किया। क्या आज इस पंचायत में तय हुआ, उसी बारे में बात करेंगे हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश डिगेत। तो चौधरी साहब, क्या फैसला आज इस पंचायत में? फैसला ये हुआ कि कल सोरम में पंचायत थी पहली तारीख की, और आज कुरुक्षेत्र में बड़ी चीज ये हुई कि दोनों का फैसला एक ही है। और सरकार से मिलने की बात करिए कि सरकारी से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसकी गिरफ्तारी की बात करेंगे। 9 तारीख तक का समय दिया है सरकार को कि 9 तारीख तक आप इसका समाधान निकाल लें, नहीं तो 9 तारीख से देश ये आंदोलन पर जाएगा। महिला पहलवानों को, बच्चों को, उनको लेकर दिल्ली जाएंगे, उनको जंतर मंतर में बैठाएंगे, आगे की रणनीति उसके बाद में बढ़ेगी। पूरे देश में पंचायतें होगी, गांव गांव पंचायतें होगी, ये पंचायतों का दौर भी चलेगा जैसे किसान आंदोलन में चला था कि देश में बहुत पंचायतें हुई थी, हर स्टेट इस मुद्दे पर बुलाना चाहती है। तो हमारे बहुत खाप के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, आप अपने स्तर से पंचायतें करेंगे। जैसा कल सोरम पंचायत में ऐलान किया गया था कि राष्ट्रपति के सामने, गृह मंत्री के सामने इस बारे में बातचीत होगी, क्या उस बारे में भी कुछ? वही कहा है कि सरकार, खाप चौधरी ने भी ये कहा कि सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार है। आज युवा खासतौर पर जो इस पंचायत में हमने देखा कि खासतौर पर उनका ये था कि नहीं आज तो आर पार का ऐलान। अरे यू हरियाणा भाई, क्रांतिकारी हरियाणा है तो इसे तो रोकना पड़े इन्हें, यहाँ के युवाओं को, हरियाणा वालों को। ये तो 2 दिन में ये अलट पलट करने वाले लोग हैं ये, और ये तो कुरुक्षेत्र की धरती, यहाँ तो पैर धरती क्रांति वैसे ही आ जाती है। हाँ, जोश पहले ही आ जा। अच्छा, आज जैसे एक चीज और कही गई, आपने मंच से भी कहा कि अब बीजेपी के नेता गांव में आवे, आपके क्षेत्र में आवे तो उनसे सवाल पूछे जा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन वो तो बाद में है, और तो जब क्वेश्चन तो करने का सबका अधिकार है भाई, जब वो वोट मांगने आएगा तो उसका क्वेश्चन कर लो भाई, क्या क्या रहा, 10 सवालों की लिस्ट ले लो, उसका जवाब ले लो, वो अपनी वोट मांगे तब अपना क्वेश्चन में उलझा लो, उन्हें उलझाओ, अब उलझाओ उनको। इतने सारे में तो हरियाणा के लोग हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे? नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर तो उतरने दे, उन्हें आने दे, और उसे 10 क्वेश्चन उससे करना शुरू कर दे, वो भाग जाएगा। सवाल लो जवाब में। जो 8 दिन का समय आपने सरकार को दिया, उसमें आप अपने आंदोलन की रणनीति पुख्ता करेंगे या सिर्फ सरकार का? नहीं नहीं, बनाते रहेंगे, आंदोलन की रणनीति बनती रहेगी, जहां मीटिंग होगी वहां मीटिंग भी होती रहेगी। आज ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया कि अपनी वो 5 जून की जो रैली है वो नहीं कर रहे। ब्रजभूषण ने नहीं कहा, सरकार ने कहा, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया तो कम ये है कि वो उस तरफ चली है भाई, रैली वापसी ले ली, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करो ना उससे। वो फिजिकल टच करता था बच्चों को, यही तो उसमें लिखा हुआ है। तो 9 तारीख के बाद फिर बड़ा ऐलान या बड़ी? बड़ा ऐलान हो जाएगा 9 तारीख के बाद में, अपनी आंदोलन की तैयारी रखे, मौसम ठंडा होता रहेगा और आंदोलन गर्म होता रहेगा, इसी के तो इंतजार कर रहे। मौसम ठंडा, आंदोलन गर्म। तो ये है चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने आज कहा कि सरकार को 9 तारीख तक का समय दिया गया है, जहां सरकार ने रैली स्थगित करवाई है, वहीं अब इंतजार है कि सरकार ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी करे, और नहीं ऐसा होता है तो 9 तारीख से फिर आर पार के आंदोलन का ऐलान भी हो सकता है।